हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। एक्चुअली जहाँ पे माय उनके फ्रेंड्स आ गए थे, इसलिए आज व्लॉग हम लोग लेट शुरू कर रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है आई थिंक 12:30 के आसपास, और आज हमने जो नाश्ता किया वो किया मेदू वड़ा और इडली सांभर का। और जो मतलब वो जो फ्रेंड आए थे वही लेके आए थे। इतना शानदार खाना, इतना टेस्टी, मजा आ गया खा के। और इसको तो खा के नशा ही हो गया है पूरा। आप आ गए थे ना, खड़ी हो जा। और वो तो नहीं आया ले कुछ, प्लीज गाइस। हम बेशरम बन के कहीं पड़े हुए हैं 3 दिन से, हम बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। बेशरमों की शक्ल देख लो। बेशरम नंबर 1 एंड बेशरम नंबर 2, मतलब क्या है वो कच्चा भी एज इट इज पड़ा हुआ है अब तक 4 दिन से। जा क्यों नहीं रहे हो आप अपने घर? अच्छा पता कैसे पड़ा ही हो। और करो क्या हुआ? नस पे नस चढ़ी, नस पे नस चढ़ी। कंटेंट को कंटेंट बता रही थी ना कि मैं हाथ ऊपर करती हूं, तो नर्व्स इनकी वीक है, नर्व्स वीक है इनकी, एकदम से नस पे नस। सीधे हो, सीधे बैठो, सीधे बिल्कुल भी काम के नहीं हो ना। इसको मेरे को जिम करवाना पड़ेगा। ये चीजें कभी भी किसी चीज भी किसी भी सिचुएशन में आ जाती है। गाइस ये है रीजन, इसलिए रीजन सो गाइस ये है टूटा पैर, ये है रीजन। कुछ नहीं है, टूटा पैर है जिसके लिए हम यहाँ आए हुए हैं, टूटे पैर के लिए। अब हमने सोचा चलो टूटा पैर मिल गया मेरे को, बड़ा टूटा भी तो हमारी शादी में ही था। टूटा भी तो हमारी शादी में ही था, इसलिए हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है यहाँ पे आके इसकी टेक केयर करने की। तो लाइट कलर है बहुत। चलो अब हम इस पे अपनी विशेस लिख देते हैं, हैप्पी मैरिड लाइफ लिख दे। हैप्पी मैरिड लाइफ थोड़ी ना बोल सकते, हमारी शादी हुई है तो अपनी शादी पे तो टूटा है। हैप्पी मैरिड लाइफ यशल्स, नहीं मेरे लिए लिख रहे हो, अपने लिए लिख रहे हैं ना, अपने लिए लिख रहे हैं ना। हमारी वजह से टूटा है ना ये, हमारी शादी का टूटा है, कभी भी टूट लग सकती थी ये। तो क्या लिख रही है? समझ आ रहा है, कुछ अच्छा ही लिख रही है। आई होप गेट वेल सून। बाबू ये कौन सा एस है? ये तो ना कर्सिव का एस है, ये कौन सा कर्सिव का एस है? हटना जरा एक बार, मैं दिखाऊं जरा। हाँ अब सही आया है, हटो ना, देख लेना बीच में ही आएगी कमी नहीं। सोच ना मेरे से यूं ही पिटते उड़ोगे, कंटेंट भी तो जरूरी है। गाइस देख लो, गाइस मेरी राइटिंग लिख दिया, गेट वेल सून। मेरी राइटिंग की तारीफ करोगे आप लोग? ज्यादा गड़ा मत देना पता चले। From Yeah, shelf. That was soon from your shelf. Thank you. फोन चला ले तू रास्ते पे, मेरे को पहले नहीं चलानी आते। ऐसा कुछ नहीं, चलो मेरे को गर्मी लग रही है ना। गाइज हम बहुत टाइम के बाद अपने कचर पचर के बाद आज नारियल पानी एंजॉय कर रहे हैं, नारियल पानी का आनंद लेंगे। और गर्मी में दुखी हुई पड़े हैं आज हम गाइज, कोई बात नहीं अभी नहा धो के मिलेंगे आपको, मैं सुंदर काका बन के मिलूंगा, टेंशन मतलब आप अभी बनूंगा। और मुंबई में गाड़ी चला के बड़ा ही मजा आ रहा है हमको गाइज। चुप करो, ऐसा नहीं बोला।
पहली बार ड्राइविंग कर रहे हैं यहाँ, हमें डर है कोई ठोक जाए। मोहन ऐसी नहीं बोलते होते, डोंट वरी बेबी, अच्छी ड्राइव करेगा, बीच में ठोक डालेगा सारा, झुकेगा नहीं लेकिन रुकेगा नहीं, ठोक डालेगा रुकेगा नहीं। वो तो मैं चला दूँ ना फिर मेरा हाथ खुल जाता है। मूवी थी ना, हम बहुत उसको देख रहे, फिर लास्ट में जब ये वाला सीन देखा ना हमने, ये वाला जब सीन देखा हड्डियां तोड़ने वाला, क्या है नहीं नहीं मेरी भी तोड़ेगी है। देखो मैंने बहुत देर हो गया, नीचे चले गए, नीचे कहाँ ना के डेकोरेशन दिखाने, कॉलोनी पता चल जाएगी कौन सी, कोई बात नहीं यहाँ पे आ जाएंगे घर पे, आने दो आगे तो आ जाएंगे, फिर परेशान हो जाएंगे अपना प्लास्टर वाले पैर मारेंगे। अभी जा रहे थे मेरे पैर पे चढ़ गए, मेरी जान निकल चली। उतर तो टाइम ना मेरे पैर पैर पे यहाँ पता नहीं कहाँ कहीं तो लगी थी, यहाँ पे लग गई, तो मैंने सॉरी सॉरी उसके बाद मेरे पैर के ऊपर चढ़ के दिवाली है आनी है अभी, दिवाली तो दिवाली आ गई, कल धनतेरस है, आज नहीं है धनतेरस, कल धनतेरस है, चलो धनतेरस की राम राम। ऐसे करते हमारे उधर नहीं करते ऐसा कोई भी पागल, हमारे कैसे भी नहीं करते ऐसे, हैप्पी धनतेरस करते हैं हमारे यहाँ, धनतेरस की कौन करता है ऐसे, नहीं कौन करेगा ऐसे, दिवाली को भी नहीं करते तुम्हारे फिर ऐसे, धनतेरस की राम राम कहाँ करते हैं ऐसा, अलवर में, अलवर में ही कर सकते हैं ऐसा, अलवर वालों को कुछ काम है। So guys, आपने आज तक देखा है कि यही मेरे को टॉर्चर करती है, आज आपको मैं दिखाऊंगी मेरा टॉर्चर। So guys, अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे थोड़ा कॉलोनी में वॉक करने के लिए, पतले तो हम होंगे नहीं लेकिन जल्दी हम आपको डाइट स्टार्ट करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि हम क्या क्या आइटम्स यूज में लेते हैं अपनी डाइट में। Yes. अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे सारा कुछ देखने के लिए, डेकोरेशन वगैरह कैसा हो रहा है, थोड़ा दिवाली का फील लेने जा रहे हैं, दिवाली का फील लेने जा रहे हैं। हाँ जी, ये देखो कुछ इस तरह की डेकोरेशन हो रखी है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ना बर्ड्स हाउस बनाए हुए हैं छोटे छोटे से, बिल्कुल ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, ये देखिए बनाया हुआ है, देखो हमें क्या मिला है, कितने सालों बाद देख रही हूँ मैं, ये पता तेरे को जॉक, एक और क्या है, इसका मतलब यहाँ पे होंगी ये, हाँ
ये देखो एक एरी, इसने तो मुंह भी नहीं निकाला, वो पता भी नहीं चलेगा। हम लोग गए थे बाहर ये लेने के लिए, ये देख लो सब्जी लेने गए थे हम लोग बाहर। अब हम वापस, आज हम मशरूम लेके भी आए हैं। क्या बनेगा फिर आज? मशरूम बनेगा आज। चलो गाइस, सो गाइस रात के बज चुके हैं, कितने बज गए बाबू? वैसे 11:30 रात के बज चुके हैं 11:30। और हम लोगों ने आज बनाया है अपना यशल्स व्लॉग्स का फेसबुक पेज, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी से जाओ और पेज को प्यार दो, बहुत सारा लाइक करो, फॉलो करो पेज को, क्योंकि अब फेसबुक पे बहुत सारी चीज़ें भी होंगी। फेसबुक पे आपको पता है बहुत सारा मिक्स क्राउड भी है, तो यू नो नफ़रतें भी बहुत फैलने वाली है जैसे प्यार, तो नफ़रतें उतनी ही फैलनी चाहिए जितनी के यू नो लिमिटलेस सिर्फ प्यार होना चाहिए, लिमिटलेस नफ़रतें नहीं होनी चाहिए। तो अगर 2 हेटर है ना, तो 2,00,000 प्यार करने वाले होने चाहिए गाइस। तो जल्दी से जाओ और फेसबुक पे जाके फॉलो करो। और आपको पता है मुझे, मैं 30 साल की हो जाऊंगी, मुझे 30 साल में फेसबुक चलाना नहीं आया। तो फाइनली अब जब फेसबुक पे यशल्स आ चुके हैं, तो अब यशविका बत्रा भी सीखेंगे फेसबुक चलाना। मुझे नहीं आता यार फेसबुक चलाना, मुझे कुछ भी नहीं पता फेसबुक के बारे में। ये मुझे बोल रहे थे लिंक शेयर कर दे, मैं कैसे होगा लिंक शेयर मतलब। तो जल्दी से जाके, अब फेसबुक पे भी हम लोग आ चुके हैं, तो वहाँ पे भी यशल्स व्लॉग का जो पेज है उसको आपको फॉलो करना है और शेयर करना है। वहाँ पे भी हमारी नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे आपको इंस्टाग्राम पे मिलती हैं और यूट्यूब पे मिलती हैं। तो यशल्स व्लॉग को आप सर्च करके भी देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा यशल्स व्लॉग के फेसबुक पेज का, वहाँ से भी देख सकते हो। आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है? यस। और उस पर मैंने एक वीडियो डाल भी दिया है, तो वो वीडियो भी जाके आप देख सकते हो। यस। ओके, तो मिलते हैं अब कल के व्लॉग में आपसे। आज का दिन ज़्यादा कुछ खास नहीं था, हम लोग घर गए थे पैकिंग वैकिंग करने अपनी, क्योंकि हमें फ्लाइट शिफ्ट करना है। तो हाँ, मे बी कल ही शायद परमिशन मिल जाए। हाँ, होपफुली आप सब लोग प्रेयर करना कि जल्दी से मिल जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस साल की पहली दिवाली, जो कि हमारी शादी के बाद की पहली दिवाली है, वो बहुत अच्छे से हम नए घर में सेलिब्रेट करें। यस। सो बस आज वही सब कुछ हुआ, और अब जैसे कि आपको पता है हमारी शादी के बाद की पहली, कल धनतेरस है, उसके बाद दिवाली है, तो हम सोच रहे हैं कुछ इंडियन आउटफिट हो जाए। मतलब मेरी तो चलो इंडियन आउटफिट चल ही रही है, बट डोगो का भी कुछ ट्रेडिशनल टाइप का रहेगा आई होप। तो होपफुली कल हम शॉपिंग करने जाएंगे। जाएंगे कि नहीं? जाएंगे जाएंगे, जब शिफ्टिंग हो जाएगी तब जाएंगे जाएंगे जाएंगे। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही था, और यार वीडियोज पे प्यार कम मत करो प्लीज़। अभी तो शुरुआत है, आप अभी से मतलब ढीले पड़ गए, इतने ज़्यादा मंद मंद पड़े जा रहे हो। नहीं, मंद मंद नहीं पड़ना है गाइज, वीडियो को बहुत सारा प्यार देना है, शेयर करना है जितना भी कर सकते हो, लाइक करना है, और कमेंट्स की तो बारिश कर दो। कमेंट करने में कुछ नहीं जा रहा, कमेंट कर सकते हो आप अपनी राय, अपने सजेशन जो भी आप देना चाहते हो। और बहुत ही जल्दी हम एक वीडियो लाने वाले हैं Q&A की, क्योंकि हमने बिफोर मैरिज प्लान किया था, लेकिन बिफोर मैरिज वो नहीं हो पाया, लेकिन अब आफ्टर मैरिज मुझे पता है आप लोगों के दिल में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एज यूजुअल हमारा स्टोरेज फुल हो गया था फोन का गाइस, तो फिलहाल इससे पहले दोबारा से फिर फुल हो जाए मच्छर, इससे पहले गाइस दोबारा से स्टोरेज फुल हो जाए, हम इस वीडियो करते हैं या जल्दी से यहाँ पे एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच।